नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजना चौहान। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज की मेरी वीडियो ये बताने के लिए है कि एक एक चम्मच, मतलब जैसे कोई चीज़ है, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे मोटापा हो, चाहे जोड़ों का दर्द हो, कुछ भी हो, लेकिन एक चम्मच अगर कोई चीज़ अच्छी है, जैसे कि चाहे तिल हो, तिल ले लीजिए, चाहे जीरा पानी ले लीजिए, चाहे कोई काढ़ा ले लीजिए, जैसे डायबिटीज़ का है काढ़ा बनाना आपको मैं बताऊंगी। कोई भी चीज़ अगर रेगुलर आप लेते हैं तो उसका कुछ ना कुछ फायदा दोस्तों जरूर होगा, ठीक है? तो इसी टॉपिक पे मेरी वीडियो इस समय आएंगी। सब चीज़ें जो किचन की होती है दोस्तों ना, कि आप धीमे धीमे लेंगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि मतलब कितना आपको फायदा करा। सब मतलब जो कुछ अच्छा होगा वही मैं आपके सामने लेकर आऊंगी, 100% सच वीडियो। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपना। चलते हैं वीडियो की तरफ। बताती हूँ कि एक चम्मच लेने से आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर खाना आप अच्छे से चबा चबा के खाते हैं तो खाना आपके गले से होकर पेट में जाता है। एक बार खाना अगर आपके पेट में पहुंच गया तो खाना हजम होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर आप खाना पूरा भर पेट खा लेते हैं तो उसमें कोई एक्टिविटी करने की जगह नहीं होती है और वो खाना आपके पेट में पड़ा हुआ सड़ता है। इसीलिए कभी भी भर पेट, पूरा भर पेट खाना नहीं खाना चाहिए। हमेशा थोड़ा खाली जगह रहने चाहिए ताकि खाना मूव कर सके। पेट में खाना 4-5 घंटे रहने के बाद वहाँ से निकलता है और छोटी आंत में जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात वाइल्ड जूस से होती है जो आपके लीवर में प्रोड्यूस होता है। वाइल्ड जूस आपके खाना को जो है प्रेजेंट फैट में डाइजेस्ट करता है और प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करता है, जिससे खाना आगे की तरफ मूव करता है। इसीलिए दोस्तों फिजिकल एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो पेट का खाना हजम होना बहुत आसान हो जाता है। रास्ते में आपकी छोटी आंत आपके खाने के बॉल्स को, आपके खाने के न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करके आपके ब्लड सेल्स में भेज देती है। जब खाना हजम नहीं हो पाता तो वो आपकी बड़ी आंतों से होते हुए निकल जाता है और आपका खाना दोस्तों मुंह से ही डाइजेशन होना शुरू हो जाता है। अगर आप अच्छी तरह से चबा चबा के नहीं खाते हैं तो जो न्यूट्रिशंस आपको मिलने चाहिए वो आपको मिल ही नहीं पाते हैं और खाना आपका पचता ही नहीं है। आप सोचिए दोस्तों, जो पहले आपने खाना खा लिया जैसे दाल चावल रोटी सब्जी, वो आपके हजम नहीं हो पाया और आप दोबारा फिर से खा लिए, तो ये खाना कभी भी हजम नहीं होता है। जैसे ही दोबारा खाना जाएगा तो खाना बिल्कुल सड़ता है। दोस्तों आज मैं आपको इस तरीके का पाउडर बताने जा रही हूँ हरण से, जो आप एक पाउडर लीजिए और एक पानी बताऊंगी, आपकी लाइफ बदल जाएगी। ये अजमाया हुआ है। इस पाउडर को अगर आपने ना बनाया तो क्या ही किया, गैस कभी भी नहीं बनेगी। अगर चलते हैं वीडियो की तरफ। कटोरी ले लिया, उसमें लेंगे दोस्तों जो ये हरण है ना, इसको लेना है 5 से ज्यादा बिल्कुल मत लीजिएगा दोस्तों। अगर ज्यादा लेंगे ना तो फिर आपका पेट एकदम पानी पानी हो जाएगा दोस्तों, समझ रहे हैं ना। ये बहुत पेट साफ करता है, पेट साफ करने के लिए ही ये हरण जाना जाता है दोस्तों। जिसको कभी कभी क्या है, बहुत लोगों को डायबिटीज जो होते हैं ना पेशेंट, तो उनकी उनका उनको लैट्रिन ही नहीं होती है, तो उनका पेट एकदम साफ ही नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरी मम्मी को होता है इस तरह से। तो क्या है कि ये हरण जो वो जब लेती है ना तो उनका पेट एकदम साफ हो जाता है, हफ्तों तक साफ रहता है, बिल्कुल फ्रेश रहती हैं, खाती पीती हैं। तो अब ले लिए 5 हरण, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है दोस्तों। तो अब आपको क्या लेना है, इसमें लेना है 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच ही लेना है। ये देखिए भर कर मैंने लिया है, तो 1 चम्मच जीरा ले लीजिए, थोड़ा सा और ले लीजिए। अब दोस्तों आपको क्या लेना है, इसमें लेना है 1 चम्मच भर करके अजवाइन, बहुत ही अच्छा काम करती है दोस्तों अजवाइन पेट के लिए। तो ये ले लीजिए अजवाइन, ठीक है, थोड़ा सा और ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ये दोस्तों इसको लेना है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको जो है एक इस तरह से जो है कुछ भी लीजिए, इसमें आपको ये चीजें डाल देनी है। डाल करके दोस्तों अब इसको आपको हल्का सा भूनना है। जब तक आप इसको भूनेंगे नहीं ना ये टूटेगा नहीं, बहुत टाइट है ठंडा। इसको जब भून लेंगे ना तो बहुत ज्यादा नहीं भूनना, बस खाली जीरा चट्टे चट्टे से बोलने लगेगा, आप समझ लीजिएगा कि ये भून चुका है। तो बस इसको भून लीजिए, भून करके मैं आपके सामने पेश होती हूं। दोस्तों ये देखिए ये भून चुका है, ठीक है, ये भून गया है। इसी तरह से भूनना है, ज्यादा काला नहीं करना है, बस इसी तरह से भूनना है जैसे कि ये हरे हरे सब भून गई है। अब देखिए पहले टूट नहीं रही थी, इसका यही निशानी है भूनने की, कि अब देखिए ये टूट रही है, ठीक है। जब इस तरह से जब ये टूटने लगे ना तो आप समझ लीजिएगा ये भून चुकी है। नहीं, जो इसमें डाला जाएगा वो भूना नहीं जाएगा, वो कच्चा ही डाला जाएगा, वो है दोस्तों 2 चम्मच सौंफ। दोस्तों सौंफ जो है आपका जो खाना खाते हैं ना उसको डाइजेस्ट करने में सबसे ज्यादा ये चीज जान जाती है। होटल होटल में जाते हैं आप खाना खाने तो आपको क्या पेश किया जाता है, सौंफ।
ठीक है। तो सौंफ जरूर डालिए, सौंफ को भूनिएगा नहीं, कच्चा ही डालना है इसको आपको। दोस्तों बन गया, देखिए ये बढ़िया सा चूरन बन गया दोस्तों। आपका पेट बिल्कुल साफ रहेगा, ना गैस, ना एसिडिटी, ना खट्टी डगा, ना पेट फूलेगा दोस्तों। हर चीज से निजात दिलाएगा ये पाउडर। आप विश्वास करें दोस्तों, इसका आप सेवन करेंगे ना तो मुझे इसकी तारीफ करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बार बार आप खुद ही लेने लगेंगे, खुद ही बनाने लगेंगे। अब चलते हैं कि कैसे लेना है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, आपको लेना है एक गिलास गुनगुना पानी। अगर गुनगुना पानी, गर्म पानी आपने ना लिया तो कोई भी फायदा ये नहीं करेगा, मैं पहले ही बता देती हूँ। जैसे बता रही हूँ वैसे आप इसको करिएगा। ये पानी लीजिए गुनगुना, ठीक है। अब आपको कितना लेना है दोस्तों, ये मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए इतना इतना पाउडर आपको इसमें डाल देना है। पड़ गया। अब डालना है दोस्तों इतना, मतलब आधे चम्मच से भी कम नमक। कौन सा नमक है? काला नमक है दोस्तों। काला नमक अपने आप में ही एक ऐसी चीज है कि चाहे जितना भी गैस बनी हो, काला नमक और अजवाइन खा लीजिए, बस क्या क्या पूछना, तुरंत फायदा मिल जाता है। तो इतना डालेंगे काला नमक, टेस्ट के लिए नहीं, टेस्ट के लिए तो है ही है, फायदा भी काला नमक बहुत करता है। इसको अच्छी तरीके से मिला लीजिए दोस्तों। ये जो है रात में जब आप खाना खा लेंगे, रात में जब आप खाना खा लेंगे उसके बाद आपको ये पानी, गुनगुना पानी पाउडर डाल करके आपको पी करके सो जाना है, ठीक है। और मैं आपको बताए देती हूँ, आप सोच रहे हो कि ज्यादा पेट फूल गया है, ज्यादा भारीपन है, ज्यादा गैस बनी है, लाओ मैं ज्यादा दो चम्मच ले लेता हूँ, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी, फिर आपको ना नौकरी जा पाएंगे, ना कहीं जा पाएंगे, आप दिन भर छुट्टी लेकर भागते रहोगे, भागते रहोगे, भागते रहोगे, ठीक है। तो ये कमाल करता है, अगर आप ज्यादा ले लेंगे तो इतना ही लेना है, ठीक है। और दोस्तों सुबह बासी मुंह, खाली पेट, ये सब बिल्कुल नहीं लेना है, मतलब सुबह का कोई चक्कर ही नहीं इसमें। इसको कब लेना है? रात को खाना खाने के बाद, ठीक है। जो खाना आप खाएंगे इसका काम है वो हजम करना शुरू कर देता है। इसके अलावा दूसरा पानी बताने जा रही हूँ जो कि आपको सुबह पीना है, ये कमाल का पानी है दोस्तों। डायबिटीज के लिए, मोटापे के लिए, आंतों के अंदर की सारी गंदगी निकाल फेंकेगा ये पानी। तो सबसे पहली चीज इस पानी में जाएगा एप्पल साइडर विनेगर। ये काम क्या करता है भैया? आंतों से सारी गंदगी निकालकर बाहर फेंकता है एप्पल साइडर विनेगर। दूसरी चीज क्या करता है? आपके कब्ज की शिकायत को दूर करता है। खाना जो खा लेते हैं उसको ये हजम करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है। डायबिटीज के लिए बहुत ही बेस्ट चीज है। अब दूसरी चीज इसमें डालूंगी मैं, इसमें थोड़ी सी दोस्तों हल्दी। हल्दी तो बता चुकी हूँ, एंटीसेप्टिक होता है, इसमें बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ा सा, ठीक है। जिनको डायबिटीज़ में दूध सूट नहीं करता है, जिनको डायबिटीज़ में जिनका पेट सही नहीं होता है वो दूध हल्दी नहीं पी पाते हैं, ठीक है। और जिनका जो है कभी कभी दूध पीने से उनके गैस बन जाती है, पेट खराब हो जाता है, उनके लिए ये तरीका है हल्दी पीने का। और इसमें और जाएगी चीज़ दोस्तों, आंवला। थोड़ा सा आंवला जाएगा एक चम्मच के बराबर। चम्मच गीला हो गया है तो मैं इससे डाल दे रही हूँ आंवला पाउडर। दोस्तों आंवला पाउडर आपके इस पृथ्वी का सबसे ताकतवर चीज, सबसे बड़ी औषधि मानी गई है आंवला पाउडर, ठीक है। इसमें एप्पल साइडर विनेगर, आंवला पाउडर, हल्दी, इस पानी को आप जरूर पीजिएगा, कमाल का पानी है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो है अपना सपोर्ट दीजिए दोस्तों।